हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल EIQ। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पावर सिस्टम से है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका पर यूनिट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक जनरेटर है और ये जो है अभी इस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपका जनरेटर हो गया और ये जनरेटर जो है आपका एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया हुआ रेटिंग के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये 13.8 है और ये 138 केवी में कर रहा है, तो इसको आप काट करके स्टेप अप कर दीजिएगा। और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, कहीं पे भी हम लोग बिजली जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग जनरेटर, तो इस जनरेटर से क्या करते हैं, वोल्टेज हम लोग ट्रांसफार्मर भेजते हैं, ये ट्रांसफार्मर हमेशा क्या करता है, इस वोल्टेज को स्टेप अप करता है। तो वही बोल रहा है कि एक जनरेटर है जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ये आपका 20 MVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें 13.8 को ये कन्वर्ट कर रहा है 138 KV में। आगे बोलता है इसके बाद आपका ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ से मैं ट्रांसमिशन लाइन बना देता हूँ। ये आपका लाइन हो गया और अगेन बोल रहा है एट द रिसीविंग एंड, यानी ये ट्रांसमिशन लाइन कहाँ जाएगा, रिसीविंग एंड पे जाएगा। और बोल रहा है रिसीविंग एंड पे आपका लोड लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है जब भी लोड लगाएंगे तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग यहाँ पे है 10 MVA और ये कर रहा है 138 KV को आपका 69 KV में कन्वर्ट। और आगे में लोड लगा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाते हैं हम लोग डायग्राम को। यहाँ पे आपका बस बार होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका बस बार होगा, तो इसको आप एज्यूम कीजिए या नहीं कीजिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे होता है। ये आपका ट्रांसफार्मर T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी हम लोग का पर यूनिट इम्पीडेंस दिया हुआ है, जेड पर यूनिट दिया हुआ है आपका, यह है 0.72 और ये किसके तरफ है, यह है आपका इस लोड साइड की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा इवेल्यूएटेड ऑन लोड साइड, लोड साइड मतलब इधर की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो आपका पर यूनिट निकाला गया है ये किसी न किसी बेस वैल्यू पे निकाला होगा, तो अभी ये बेस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आपका आया है इसके लिए एस बेस है 10 MVA और यहाँ पे वोल्टेज है यानी बेस वोल्टेज आपका 69 KV, ठीक है, ये लोड साइड का आपका रेटिंग दिया हुआ। अभी बोल रहा है कि आपको फिर से यहाँ पे पर यूनिट निकालना है, अगर आप यहाँ पे बेस वैल्यू जनरेटर सर्किट को लेकर के चलते हैं, तो यानी जनरेटर साइड में, तो जनरेटर साइड में क्या है आपका इधर वाला है, ठीक है, यानी न्यू बेस पे आपको बताना है। सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है हम लोग का भी, बेस वैल्यू ऑन द लोड साइड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर। अभी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखे पर यूनिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, और अभी पर यूनिट वैल्यू कितना है 0.72, एक्चुअल वैल्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, बेस वैल्यू यानी यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, इम्पिडेंस का बेस निकालना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं, तो इम्पीडेंस का बेस यहीं से निकाल लेते हैं, जेड बेस बराबर क्या होगा वी बेस का स्क्वायर यानी 69 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 476.1 ओम, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे जेड एक्चुअल आ जाएगा 342.8 ओम, ठीक है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू आ गया इस ऊपर वाले डाटा से। अभी हम लोग क्या करना है, जनरेटर साइड को एक तरीके से बेस वोल्टेज और बेस पावर एज्यूम करके हम लोग को निकालना है। अभी देखिए बेस
वैल्यू इन जेनरेटर साइड, या फिर कुछ भी अपने मर्जी से जो भी आपको समझ में आ रहा है वैसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे एस बेस मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 MVA, क्योंकि इधर से देखना है ना, हमारे जनरेटर साइड से देखना है आपको। यहाँ पे वोल्टेज का बेस हो जाएगा 13.8 kV, और इन दोनों वैल्यू से हम लोग क्या हो जाएगा, बेस इंपेडेंस निकल जाएगा, जेड बेस यहाँ से आ जाएगा, यानी वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9.522 ओम। अब यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले पर यूनिट का वैल्यू लिखिएगा, एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू। देखिए एक्चुअल वैल्यू आपको पता है, एक्चुअल वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू 342.8 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू कितना है अभी हम लोग का न्यू वैल्यू पे, ये वाला 9.522। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 36 पर यूनिट, यानी जनरेटर सर्किट से अगर देखते हैं आप, जनरेटर साइड से देखते हैं, तो आप यहाँ पे 36 पर यूनिट आएगा इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अभी इस क्वेश्चन में दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक तो आपका ट्रांसफार्मर है और एक आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में देखते हैं, ये आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, और इस ट्रांसफार्मर में ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 55 में कि जो आपका पर यूनिट वैल्यू, मान लेते हैं पर यूनिट वैल्यू आपका प्राइमरी साइड में आपका 0.7 आ रहा है, तो वही वैल्यू जो होगा आपका सेकेंडरी में भी आएगा। यानी ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी साइड का पर यूनिट वैल्यू और सेकेंडरी साइड का पर यूनिट वैल्यू वो आपका बराबर होता है। अभी पर यूनिट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इंपीडेंस हो सकता है, करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, ठीक है, दोनों तरफ का बराबर होता है। ये कैसे होता है तो मैंने उसमें प्रूफ करवाया है, और अगर आपको उसमें भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दूंगा। तो इस चीज़ को अभी माइंड में रखिएगा, और अभी थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर आता है। देखिए इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो आपका इम्पीडेंस के ऊपर कि उस वायर का कितना इम्पीडेंस है शॉर्ट सर्किट के दौरान, और उस दौरान वहाँ पे वोल्टेज कितना है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट, और इम्पीडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका करंट जो है मिनिमाइज होगा, उसको रोकेगा ना, ठीक है। अब इसमें एक और वर्ड है परसेंटेज इम्पीडेंस। परसेंटेज इम्पीडेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखिए इसको थोड़ा समझते हैं बेसिक तरीके से। मान लेते हैं ये आपका एक सीरीज सर्किट है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा, ये मान लेते हैं आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मान लेते हैं आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले करंट निकालते हैं, करंट कितना होगा आपका, I=V/R, R=N कितना होगा, 4, 3, 7, यानी इसको चेंज कर लीजिए, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। अभी देखिए इस रेजिस्टेंस के पास अपना वोल्टेज होगा और इस रेजिस्टेंस के पास भी अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, मान लेते हैं V1 है ये V2 है, तो कितना होगा करंट, तो दोनों जगह सेम होगा, अगर V1 की बात है तो V क्या होता है I × R, R तो सेम रहेगा दोनों जगह, रेजिस्टेंस कितना होता है 3, यानी 6 वोल्ट। सीधी सी बात है इस रेजिस्टेंस के पास 6 वोल्ट का आपका क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर कह सकते इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा आपका 6 वोल्ट आएगा। तो अभी देखिए इसको तो मैंने ओम में रिप्रेजेंट किया ना, समझ रहे बात को, तो इसको मैं ओम में ना लिख करके, यानी आर को मैं 3 ओम ना लिख करके, मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, इसको 50% लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी आर बराबर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 50%। 50% का मतलब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस के पास आपका हमेशा क्या होगा 50% का वोल्टेज ड्रॉप होगा,
छः वोल्ट यहाँ पे आया ना, तो 6 वोल्ट क्या है, 12 वोल्ट अपने आप में 100%, तो 6 वोल्ट क्या हुआ अपने आप में क्या होगा, 50% होगा ना। तो अभी इस चीज़ को माइंड में रखें, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए बोल रहा है कि जब भी हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे या फिर रिएक्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो इम्पीडेंस होता है या फिर सीधे ये जो रिएक्टेंस होता है, उसको हम लोग परसेंटेज में लेकर के चलते हैं। परसेंटेज में क्यों लेके चलेंगे, ताकि अपने शॉर्ट सर्किट करंट को रैपिड कैलकुलेट कर सकें, मतलब बहुत जल्दी, ज़्यादा समय ना लगे उसके लिए। तो अभी देखिए ये आपका फॉर्मूला है, परसेंटेज रिएक्टेंस बराबर, ये नीचे में है आपका टोटल वोल्टेज, ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया था। ये अभी इस सर्किट के हिसाब से क्या है, ये 12 वोल्ट आपका टोटल वोल्टेज था, तो नीचे में आप 12 वोल्ट लिखिए। और ये ऊपर में क्या है, यहाँ पे x लेके चला है, तो क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना, समझ रहे हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, तो V1 के जगह क्या लिखेंगे, I into R। तो भाई ये क्या है आपका, यानी ये वोल्टेज ड्रॉप है उस रिएक्टेंस के पास का, समझ रहे हैं। तो अपने केस में अगर आपको परसेंटेज R निकालना होगा, तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज और ऊपर में क्या लिखेंगे, इस रेजिस्टेंस के पास का जो वोल्टेज है, यानी इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, I into R। और अपने केस में ये 3 ओम था, ये 3 ओम था, यानी I तो 2 होगा और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, समझ रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6/12, यानी कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 50%, यानी अपने केस में परसेंटेज R सीधे सीधे 50% लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो R का वैल्यू दो टर्म में लिखा जाता है, या तो आप ओम में लिख दीजिए सीधे सीधे, या तो फिर आप इस तरीके के परसेंटेज में लिख दिया। और ये परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, कि इस टोटल वोल्टेज का यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, या फिर इस रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज मिलेगा। तो भाई आपको यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया ना, करंट निकालने का कोई बेनिफिट ही नहीं है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट ईजी पता चल जाएगा यहाँ पे, यानी कैलकुलेशन आपका रैपिड हो गया ना, करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको आर को एक तरीके से ओम में कंसिडर करके चलते थे, 3 ओम था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको देखना है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो आपको करंट निकालना पड़ा ना, यानी एक स्टेप ज़्यादा लगा, लेकिन वही आपका यहाँ पे परसेंटेज दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी परसेंटेज आर बराबर आपका यहाँ पे है 50%। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट पता चल जाएगा टोटल वोल्टेज 12 है, तो 12 का 50% कितना हो, 6, यानी इस रेजिस्टेंस के पास आपका 6 वोल्ट एक तरीके से हमेशा रहेगा, फिर 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, और ये 100 क्यों किया, क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए। देखिए यहाँ पे परसेंटेज इम्पीडेंस का मैंने एक और डेफिनेशन दे दिया है। परसेंटेज इम्पीडेंस का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर लेकर के चल रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर ही सही, कोई अदर सर्किट है तो कोई अदर ही सर्किट, या फिर जनरेटर तो जनरेटर, रिएक्टर तो रिएक्टर, ठीक है। इज द वोल्टेज ड्रॉप ऑन फुल लोड, फुल लोड मतलब ये जो मैंने अभी सर्किट में समझाया था, ये हमेशा क्या होगा, एक तरीके से फुल लोड पे काम करेगा ना, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, अपने फुल लोड पे लेके चल रहा है, अपने पूरी क्षमता को लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस होता है, लीकेज रिएक्टेंस होता है। देखिए अगर ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले इस तरीके का आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा बुक में, इधर आपका प्राइमरी हो गया, इधर आपका सेकेंडरी होगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर आपको बनाना है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया क्योंकि प्राइमरी साइड में वाइंडिंग है, कुछ आपका रिएक्टेंस होगा क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या होता है आपका, लीक करता है, उसके चलते आपका रिएक्टेंस होगा। इधर आपका क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए ये आपका RC हो गया, यानी कोर लॉस होगा इसमें, और ये JXM होगा, ठीक है, और इधर आपका वाइंडिंग है प्राइमरी, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको आप JX1 मान लीजिए, और इधर आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अब सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग किया हुआ है, तो इधर भी आपका रेजिस्टेंस होगा और इधर भी आपका रिएक्टेंस होगा, इधर आपका R2 हो जाएगा, इधर आपका JX2 हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर में देखिए हम लोग रिफर्ड वैल्यू पढ़ते हैं, रिफर्ड वैल्यू मतलब ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये सब इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रिफर्ड वैल्यू क्या करते हैं, या तो सेकेंडरी वाले रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड भेज दीजिए, या तो फिर प्राइमरी वाले रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड भेज दिए, तो आपको क्या होगा, एक नेट इम्पीडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, मैं यहाँ पे सेकेंडरी वाले को प्राइमरी में भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं,
ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये रिएक्टेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको भी बाद में हम लोग मिलाएंगे। इधर आपका इधर वाला आ गया, ये आपका इधर वाला आ गया, ठीक है। ये आपका आर वन वैसे का वैसे ही रहेगा, जे एक्स वन वैसे का वैसे ही रहेगा, इस आर टू को हम लोग इधर भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लेते इसका टर्न रेशियो एन वन इज टू एन टू है, ठीक है। ये हो जाए आपका आर टू इंटू एन वन बाय एन टू का होल स्क्वायर, और ये जे एक्स एम है, तो जे एक्स एम यानी जे बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू इंटू एन वन बाय एन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये आपका आर सी हो गया, ये जे एक्स एम हो गया, और इधर आपका पूरा पूरा बाइंडिंग हो जाएगा। अभी देखिए तो ये वाला रेजिस्टेंस आर वन और ये आपका आर टू क्या है, दोनों सीरीज में, यानी दोनों जुड़ जाएगा, और ये वाला क्या है, सीरीज में, यानी इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका एक रेजिस्टेंस, एक रिएक्टेंस, इधर आपका वाइंडिंग, और इधर आपका आर सी हो जाएगा, ये आपका जे एक्स एम हो जाएगा, ये आपका आर इक्वेलेंट हो जाएगा, ये आपका एक्स इक्वेलेंट हो जाएगा। आर इक्वेलेंट को मैं इधर लिखता हूं तो जगह नहीं, तो आर इक्वेलेंट क्या होगा आपका, आर वन प्लस यानी ये वाला प्लस आर टू इंटू एन वन बाय एन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला वैल्यू हो गया इसका, और ये इसका रिएक्टेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा जे कॉमन ले लेते हैं बाहर में, ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एन वन बाय एन टू का होल स्क्वायर, यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा, इन दोनों को जब आप कंबाइन किया तो क्या होगा, आपको एक इम्पिडेंस मिलेगा, और इस इम्पिडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या फिर सीधे से कहिए जो आपको इम्पिडेंस मिलेगा, ये इम्पिडेंस या तो आप ओम में रिप्रेजेंट कर लीजिए, या तो फिर आप इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर लीजिए। अगर आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए, अगर आपने इधर से 200 वोल्ट अप्लाई किया, और अगर आपका परसेंटेज इम्पिडेंस, ठीक है, अगर आपका 10%, इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पे इम्पिडेंस के क्रॉस यानी जेड के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 200 का 10% कितना होगा, 20 वोल्ट, यानी 20 वोल्ट जो होगा इस इम्पिडेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और इतना मैं किस लिए लेके चला, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग ट्रांसफार्मर में इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर आप सेकेंडरी को इसमें भेज रहे हैं, या तो फिर प्राइमरी को इधर भेज रहे हैं, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा वही आपका इम्पिडेंस कहलाता है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग एक तरीके से इम्पिडेंस ड्रॉप बोलेंगे। देखिए अभी हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में कि अगर ये आपका एक बैटरी है, मान लेते हैं ये आपका माइनस है, इधर आपका प्लस है, और इसमें आपने एक बल्ब जोड़ दिया है, ठीक है, और इस बल्ब का जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं आपका 2 ओम है, और ये बैटरी जो आपका 12 वोल्ट का है, तो इस समय आपका करंट कितना फ्लो करेगा, आई इक्वल टू वी बटा आर यानी 12/2 यानी 6 एम्पियर, ठीक है। यानी अभी आपका ये बल्ब जो है एज अ लोड की तरह काम कर रहा है, लेकिन अभी मान लेते हैं कि इस बैटरी को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के क्या करना, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको एक तार से ला कर कैसे जोड़ दीजिए, तो अभी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा यहाँ पे, आई एस सी बराबर कितना, वी बटा आर, यानी वोल्टेज तो आपका उतना का उतना ही है 12 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तरीके से 0 हो चुका है, अगर आप आइडियल केस लेके चलते हैं। और वही अगर आप प्रैक्टिकल केस लेके चलते हैं तो मान लेते हैं पॉइंट समथिंग में आएगा वैल्यू, पॉइंट समथिंग, यानी सीधी बात है करंट आपका क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही मैक्सिमम होगा, यानी लोड करंट से आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है हमेशा क्या होता है, हाई होता है। अब इस चीज को रखिएगा हमेशा माइंड में। और अभी देखिए एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं फिर से वही लेते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट था बैटरी लगा हुआ, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी मान लेते हैं हम लोग का परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस रेजिस्टेंस के लिए परसेंटेज रेजिस्टेंस है आपका 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा आपका, 6 वोल्ट, ठीक है। और या फिर यहाँ पे पाउज हो जाए, ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे आते तब तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा क्या मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आखिर बस ये समझिए कि अगर आपका
रेजिस्टेंस या फिर इम्पिडेंस परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसका हम लोग एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी देखिए यहीं पे बता देता हूँ डायरेक्ट मैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आता है, बोल रहा है एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर बना लीजिए, रेजिस्टेंस हो गया या फिर इसको सिंपल रखते हैं, उतना हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ये मान लेते हैं आपका प्राइमरी हो गया, इधर मान लेते हैं सेकेंडरी हो गया, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं प्राइमरी का यानी प्राइमरी साइड का जो भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को रिफर कर दिया सेकेंडरी साइड में, तो सीधी सी बात है आपको इधर एक इम्पिडेंस मिलेगा। मान लेते हैं इम्पिडेंस जेड है लगा हुआ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोड लगाएंगे, ठीक है। अभी रेटिंग की बात करते देखिए तो आपका पावर, पावर क्या होता है दोनों तरफ सेम होता है, अगर इधर आपका 10 kVA है तो इधर भी आपका 10 kVA ही होगा, और इधर अगर आपका वोल्टेज V1 बराबर 400 है क्वेश्चन के हिसाब से तो इधर आपका दिया हुआ V2 बराबर 200 वोल्ट। और अभी देखिए केस वन लेके चलते हैं, केस वन में क्या है यहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, ठीक है ये हम लोग का लोड लगाओ मान लेते हैं, ठीक है ZL है लोड इम्पिडेंस। तो केस वन में हम लोग देखते हैं करंट कितना आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ठीक है। तो अभी पावर बराबर क्या होता है VI, और अभी हम लोग सेकेंडरी में काम कर रहे हैं तो P2 V2 I2 होगा, ठीक है। P2 कितना है हम लोग का पावर इधर 10 और KVA को यानी 1000 गुना करें 10000 बराबर V2 कितना है सेकेंडरी साइड में 200 है, यानी यहाँ से I2 कितना हो जाएगा, I2 आपका आ जाएगा 50 एम्पियर का। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब आपका हेल्दी लोड लगा हुआ है तो 50 एम्पियर का करंट जो है सेकेंडरी में फ्लो करेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं IL यानी लोड करंट कह सकते हैं। अभी क्या है क्वेश्चन के हिसाब से कि यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा शॉर्ट हुआ तो अभी क्या हुआ इस सर्किट के लिए सिर्फ सिर्फ यही इम्पिडेंस है ना, यही इम्पिडेंस जो है यहाँ पे एक तरीके करंट को फ्लो करवाएगा, फिर करंट को अपोज कर देखते हैं अब, यानी ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट बराबर क्या होगा V/Z। वोल्टेज कितना है हम लोग का 200 वोल्ट है भाई, सेकेंडरी में 200 वोल्ट है, 200 लिखेंगे जेड। इम्पिडेंस हमको नहीं पता है अभी यहाँ पे, इम्पिडेंस आपका परसेंटेज में दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इम्पिडेंस बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे है नहीं, देखिए बुक में जो स्टार्टिंग में लगाया था परसेंटेज एक्स से फॉर्मूला लिया होता ना, I×X/ टोटल वोल्टेज नीचे में होता है, तो यही वाला लगाइए यहाँ पे कितना होगा आपका ये, या फिर ऐसे सीधे सीधे लिखिए कि ये आपका इम्पिडेंस 10% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या 200 का यानी 200 वोल्ट का 10% जो है इसमें ड्रॉप होगा या फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो 200 का 10% कितना होगा 20 वोल्ट, यानी कह सकते हैं इस इम्पिडेंस के अक्रॉस हमेशा जो वोल्टेज होगा ये कितना होगा 20 वोल्ट होगा, समझ रहे हैं। तो अभी मैं लिखता हूं यहां पे ड्रॉप एट रेटेड लोड इज 10% बराबर 20 वोल्ट। मतलब जब आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ था यानी जब हेल्दी कंडीशन था उस दौरान इस इम्पिडेंस के क्रॉस 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, 20 वोल्ट यहीं पे चला गया तो इस लोड के पास हमेशा वोल्टेज कितना मिल रहा था 180 वोल्ट, ठीक है। यानी हेल्दी कंडीशन से हम लोग लेकर के चल रहे हैं, अभी डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट में मत घुसिएगा। तो इस जेड का परसेंटेज वैल्यू से आपने क्या कर लिया कि इसके क्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया तो यहां से इंपेडेंस भी निकाल सकते हैं, जेड बराबर क्या होता है आपका V/I, ठीक है। और वी कितना है आपका यहाँ पे 20 वोल्ट, भाई देखिए कलर चेंज करता हूं पहले, इस इम्पिडेंस पे काम कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज आपका दिया हुआ है, करंट यहाँ से आपने निकाल लिया I2 50 एम्पियर, तो यहाँ से आपका जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या करेंगे यहाँ से 50 से भागा दीजिए इसको, ये क्या हो गया आपका इम्पिडेंस आ जाएगा, यानी 0.4 ओम का यहाँ पे इम्पिडेंस लगा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा, थोड़ा सा वीडियो को स्लो स्लो करके देखिएगा आपको क्लियर होगा। यानी इम्पिडेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपका परसेंटेज में दिया हो तो आप उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट करंट के दौरान क्या होगा, ये आपका शॉर्ट कर गया, तो शॉर्ट कर गया तो क्या होगा V/Z, वोल्टेज तो आपका 200 का 200 होगा और इम्पिडेंस कितना है 0.4 ओम, यानी यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना हो जाए आपका 500 एम्पियर, यानी सेकेंडरी साइड में शॉर्ट सर्किट जब भी होगा तो आपका 500 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होते हैं, देखिए यहाँ से आपका शॉर्ट सर्किट करंट आ गया है 500 एम्पियर, और ये शॉर्ट सर्किट करंट किसका है
सेकेंडरी साइड का है ये आपका, ठीक है। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कहीं पे भी आपको 500 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी फिर से यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, आपका प्राइमरी साइड हो गया, इसका पूरा पूरा रेजिस्टेंस मैंने सेकेंडरी साइड में रिफर कर दिया, फिर इम्पिडेंस कहिए, ये आपका 0.4 ओम था, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लेन शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इस समय आपका करंट जो है इस वाइंडिंग के अंदर 500 एम्पियर है, ठीक है। तो जब आपका ये दिया हो तो सीधी सी बात है इधर का आप नहीं निकाल सकते हैं, ये हमेशा आपका C4 कैट होगा यहाँ पे। अब बोलिएगा इधर का कैसे आप निकाल सकते हैं, भाई यहाँ पे टर्न रेशियो देखिए ना, इधर आपका वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इधर अगर आपका वोल्टेज हाई है तो सीधी सी बात है, देखिए प्राइमरी में अगर आपका वोल्टेज हाई है तो सीधी सी बात है करंट हमेशा लो होगा, और इधर इसका जस्ट उल्टा होता है, वोल्टेज इधर लो हो जाएगा तो करंट आपका क्या होगा, इधर आपका हाई हो जाएगा। और किस रेशियो में, इसके टर्न रेशियो में, तो देखिए तो टर्न रेशियो क्या है, इधर आपका एक तरीके से दुगना है तो इधर आपका आधा हो गया। तो इधर अगर आपका करंट एक तरीके से हाई है तो सीधी सी बात है प्राइमरी साइड में इधर आपका करंट क्या होगा, लो हो जाएगा। और करंट कितना से लो होगा, तो आधा से होगा, क्योंकि टर्न रेशियो देखिए 400/200 का कर रहा है ये, ठीक है। और ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए सीधे सीधे, फॉर्मूला क्या होता है, V2/V1 बराबर I1/I2, और शॉर्ट सर्किट पे चल रहा है अभी हम लोग। V2 कितना है हम लोग का, यहाँ पे देखिए V2 कितना है हम लोग का, 200। V1 कितना है हम लोग का, 400। I1 कितना है अभी शॉर्ट सर्किट दौरान लेकर चल रहे हैं ना, शॉर्ट सर्किट में हम लोग को फाइंड आउट करते हैं, 500। सॉरी I1 तो निकालना है हम लोग को, I2 कितना है, 500। यहाँ से कीजिए सॉल्व, आपका I1 निकल जाएगा, देखिए 200 × 500/400, 20 से 20 कट गया, 4×5 = 20, 50, यानी 5×5 = 25, यानी 250 एम्पियर उसका C4 कैट होगा। जब भी आपका प्लेन शॉर्ट सर्किट होगा तो 250 एम्पियर करंट होगा। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज होगा तभी एक तरह समझ में आएगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन के लिए मैं कितना डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहिएगा तभी बेनिफिट होगा आपको।